नमस्कार दोस्तों, तो यहाँ पे आज मैंने गाजर का हलवा बनाया हुआ था और ये खाने में इतना गज़ब का लग रहा था ना, तो चलिए इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चढ़ा ली है कढ़ाई, जिसमें कि मैंने दूध डाल दिया है। ये आधा लीटर के करीब दूध है सॉरी। तो जैसे ही हमारा दूध बॉयल होने लगेगा ना, तो इसे हमें हाफ़ करना है, मतलब आधा लीटर से भी आधा। तो यहाँ पे इसको फ्लेम मैंने लो कर दिया है और इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है। तो मैंने ये कढ़ाई साइड में कर दी है। अब यहाँ पे हम दूसरी कढ़ाई लेंगे, जिसमें कि मैंने एक चम्मच घी डाला है। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे गाजर को पहले ही किस लिया था, तो ये 1 किलो के करीब गाजर है। तो इसे पहले ही मैंने अच्छे से धो के और ग्रेट कर लिया है। अभी गाजर हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो ये पूरी गाजर मैंने इसमें डाल दी है और अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए इसे थोड़ा सा भूंज लेंगे और साइड ही मैंने अपना दूध भी चलाते रहेंगे, जो मैंने लो फ्लेम पे चढ़ाया हुआ है। तो अब मैं इसे ढांक दूंगी और इसे पकने दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, हमारा दूध भी रिड्यूस होता जा रहा है। तो जब तक मेरा गाजर थोड़ा सा पक रहा है और दूध रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू लिए हैं, थोड़े से बादाम और किशमिश ले लिए हैं और इसको अब मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। तो इसको मैं हाथों से ही चॉप करूँगी। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स चॉपर आता है ना, उससे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरे ड्राई फ्रूट्स चॉप हो गए हैं, तो अब मैं इसे साइड में रख दूँगी और यहाँ पे हम अपने गाजर देख लेते हैं। तो ये देखिए, मतलब कम हो गई हैं, ये रिड्यूस हो गई हैं। तो इसे बहुत अच्छे से मैं चला लूँगी। तो अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। तो गाजर वैसे ही मीठी होती हैं, तो आप अपने हिसाब से जितना मीठा आपको और चाहिए तो उस हिसाब से आप शक्कर डाल लीजिए। और अब मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है शक्कर के साथ, और इसमें 1 चम्मच घी मैंने और डाल दिया है। और अब इसे बहुत अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है और इसे ढांक देंगे हम, ताकि ये और पक जाए। और यहाँ साइड में देख लीजिए, मेरा दूध बिल्कुल रिड्यूस हो गया है यहाँ पे, तो मैंने उसका फ्लेम बंद कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे ना, ये गाजर जो है ना, पूरा दूध इसमें हम डाल देंगे। और यहाँ पे दूध के साथ अब इस गाजर को अच्छे से चलाते हुए हमें पका लेना है। तो अगर आप गरम दूध डालेंगे ना, तो वो बिल्कुल नहीं फटेगा। और अगर आप गरम गाजर में, मतलब गाजर के हलवे को पकते समय उसमें एकदम से ठंडा दूध डाल देंगे ना, तो वो फट जाएगा। अब यहाँ पे मैंने साइड में एक पैन ले लिया है और उसमें मैं जितने ड्राई फ्रूट्स हैं ना, उसको घी में अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लिया है। और अब जो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना, ये मैं पूरे अपने गाजर में डाल दूँगी। तो ठंड में गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे पास बहुत समय से गाजर रखा हुआ था, मतलब 2-3 दिन हो गए थे और बच्चे भी बोल रहे थे। बट क्या है ना, उसको ग्रेट करना पड़ता है ना, तो थोड़ी आलस आ ही जाती है। फिर मैंने सोचा बना ही दूँ। तो अब ये ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देंगे और इसको चलाते हुए बहुत अच्छे से और भूंज लेंगे, जब तक कि इसका पूरा पानी रिड्यूस ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक बार इसको फिर ढांक दिया है और अब देखिए, मेरे गाजर का हलवा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आइए इसे सर्व कर लेते हैं। और आप मुझे बिल्कुल कमेंट किया करिए, मुझे अच्छा लगता है। और मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे मेरे गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार था। So thanks for watching. See you.